अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एशिया सुई धागा। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों के लिए लेके क्या आई हूँ। देसी वीडियो है और बहुत कमाल की है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। ये जो आप लोगों को सामने पीस नज़र आ रहा है, ये है कुशन कवर। इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं कॉटन फिल करने लगी हूँ। हम सबसे पहले इसके अंदर कॉटन फिल करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कुशन हम लोग कहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर कॉटन लेके आते हैं और कॉटन आपको दिखाते हैं कि ये कॉटन है और ये इसके अंदर फिल करने लगे हैं, ठीक है जी। ओके, सो मैं इसके अंदर कॉटन फिल करने के बाद फिर इसे यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं इसके अंदर ज़रा कॉटन फिल करके आई। ओके जी, सो ये कॉटन हो चुकी है सारी इसके अंदर फिल। इस तरह से जितना आपने फ्लफी रखना है आप उस हिसाब से कॉटन इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसका जो मुंह है यहाँ से स्टिच करेंगे, ठीक है जी, और इसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके जनाब, तो ये कुशन है रेडी इस तरह से। इस कुशन को हम लोग करेंगे, अच्छा अब इस कुशन के साथ करना क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये है जी मूड़ा, इस मूड़े को हम लोग करने लगे हैं कवर। इसके लिए कवर रेडी किया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन सबसे पहले उस पर जो हम लोगों ने कुशन रेडी किया है वो रखेंगे इस तरह से जी, ठीक है जी। ये पहले आप लोगों ने कुशन रेडी करके स्टिच करके इसके अंदर कॉटन फिल करने के बाद आप लोगों ने ये मूड़े के ऊपर रख देना है। जितना फ्लफी रखना है वो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग रख लीजिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को इसका कवर दिखाती हूँ। ओके जी, सो ये है मूड़ों के कवर और ये आप लोगों को जो पीछे मेरे कर्टन्स नज़र आ रहे थे ये उसके साथ मैंने मैच किए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था और उसके साथ मैंने ये स्टिच किए हैं, खुद ही घर में किए हैं। अगर आप लोगों को इसका तरीका पता करना है या ये किस तरह से स्टिच होते हैं ये आप लोगों को ने देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एक सेपरेट से वीडियो बनवा दूंगी इन मूड़ों के कवर के ऊपर, ठीक है जी। सो ये रहे मूड़ों के कवर, ये ऊपर फ्रिल है, ये उसका ऊपर वाला कवर है, ये फ्रिल है और ये जब मैं मूड़े के ऊपर चढ़ाऊंगी तब आप लोगों को और क्लियरली नज़र आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो बीच में है ये इलास्टिक है, ये मैं आप लोगों को उल्टी भी करके दिखा देती हूँ। ये रही जी इलास्टिक, यहाँ पे इस तरह से लगानी है। और इसका क्या फ़ायदा है ये मैं आप लोगों को जब मूड़े के ऊपर कवर चढ़ाऊँगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो जल्दी से अब ये करते हैं कि मूड़े के ऊपर कवर को चढ़ा के और फिर मैं आती हूँ। ओके जी, सो ये कवर जो है मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब करना क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसे यहाँ पर इस तरह से करते हैं टेढ़ा और ये जो इलास्टिक है ना इसकी वजह से ये इसकी फिटिंग नज़र आएगी, इसकी शेप नज़र आएगी मूड़े की। और आप लोगों ने लास्ट में क्या करना है यहाँ पे, ओके जी, सो यहाँ पे ये जो स्पेस है इसके अंदर हम लोग डोरी डालेंगे और फिर जो इसकी लास्ट में शेप आएगी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डोरी डालने के बाद, ठीक है जी। जल्दी ले लें, आप लोग डोरी कोई भी यूज़ कर लीजिएगा जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। हम लोगों के पास इस टाइम यही अवेलेबल थी सो मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। ये रहा जी बैक साइड से, इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से इसे टाइट करके यहाँ पे नॉट लगा लेनी है और ये हो गया आपका मूड़ा कंप्लीट। मैं इसे सीधा करके आप लोगों को इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये रही जी फाइनल लुक मूड़ों की और मूड़े हम लोगों के कवर के साथ हैं रेडी। ये थे कर्टन्स, कर्टन्स के साथ मैंने मैच किया अपने मूड़ों के कवर्स को। ये रही वो सेंटर वाली फिटिंग जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि अगर आप लोग इलास्टिक लगा लेंगे तो इस तरह से शेप आएगी, ठीक है जी, ये इस तरह से शेप आएगी। ये रहा दूसरा मूड़ा और ये हो गई इनकी फाइनल लुक रेडी। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। ट्यूटोरियल चाहिए हुआ इसका कि इसको किस तरह से स्टिच करना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जाना है और वहाँ पे मुझे बताना है, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट से वीडियो तैयार कर दूंगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी
वीडियो के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।